तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है कैरिबियन अंचल में आता है। वो देश देश का नाम जो है ग्रेनाडा। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है ग्रेनाडा। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ चेक करके जानेंगे वो देश कहाँ पर है। लेकिन उससे पहले ये जो दिख रही है वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो आपको मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, वो देश कहाँ पर है, इंडिया से क्या क्या व्यापार होता है और इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है और वो देश कौन से हिस्से में मौजूद है दुनिया के अंदर, गूगल मैप की मदद से फुल HD और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में बेल करना, चैनल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर जो है 185 नंबर पे आता है बड़े देश के लिस्ट में। हाँ दोस्तों, और इसका आयतन अगर एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 348.5 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन, जो कैरिबियन अंचल में स्थित एक स्वाधीन देश है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं वो देश कहाँ पर है जो कैरिबियन अंचल में आता है। मध्य अमेरिका भी एक देश है, आप ये भी कह सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो है कैरिबियन अंचल में आता है, ये एक स्वाधीन देश है। देश का नाम जो है ग्रेनाडा। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है ग्रेनाडा। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है उस ग्रेनाडा की जो लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, ग्रेनाडा आपको नजर आ रहा है, ग्रेनाडा आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ वो देश कहाँ पर है, आप ध्यान से देख लीजिए। वो देश के कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ और यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो देश की जो राजधानी सेंट जॉर्जेस। हाँ दोस्तों, सेंट जॉर्जेस वो देश की जो राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात कर तो इंग्लिश ये देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। धर्म की बात कर तो क्रिश्चियन ये देश की जो है मूल धर्म है, जो 96.6% यहाँ पर क्रिश्चियन इंसान रहता है। अगर हमें हमारा हिंदू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो 0.7% यहाँ पर जो है हिंदू रहता है और इंडियन जो है यहाँ पर रहता है 2.2% टोटल यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर। तो दोस्तों, इस देश की जो निक नेम है ग्रेनाडियन, ये देश की जो है निक नेम है, बहुत सारे लोग इस नाम से इस देश को पुकारता है। तो दोस्तों, ये देश का जो GDP है, कुल GDP जो है बहुत ही कम है, क्योंकि 1.249 ये देश की जो है कुल GDP है, इसलिए भारत के साथ जो है व्यापार थोड़ा कम होता है। हाँ दोस्तों, व्यापार जो है थोड़ा कम होता है। और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है डिकोन मिचेल, ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर, और मैं आपको बता दूँ ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ था। हाँ दोस्तों, 1974 में 7 फरवरी ये देश जो है ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है और ये देश की जो है नया संविधान जो है 1984 में और 4 दिसंबर जो है ये देश की जो है नया संविधान पास हुआ है। हाँ दोस्तों, नया संविधान पास हुआ है। तो दोस्तों, ये देश की जो है प्रधान एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों, प्रधान एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मुख्य द्वार है इस देश के। अगर आप जाओगे तो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है मॉरिस बिशप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ दोस्तों, मॉरिस बिशप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए वो देश की पोर्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ और कुछ घर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको वो देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा रही हूँ और ये जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों, मॉरिस बिशप इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मॉरिस बिशप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, ये देश जो है ये पहले देश नहीं था, ये जो है कुछ द्वीप था। पहले जो है क्रिस्टोफर कोलंबस 1498 में जो है प्रथम इस जगह को देखा है और देखने के बाद इस जगह का नाम पहले था मायो। हाँ दोस्तों, मायो जो है उन्होंने इसका नाम रखा था। तो दोस्तों, ये देश में जो है 50 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप है और जनप्रिय खेला जो है क्रिकेट। इसके अलावा इसमें जो है फुटबॉल भी इस देश में खेला जाता है और इस देश को जो है एक बार सहायता किया था ताइवान ने। हाँ दोस्तों, ताइवान जो है इस देश को एक बार सहायता किया था, क्योंकि इस देश में जो है एक हैरिकेन आया था, जो हैरिकेन का नाम जो है इवान। $14 मिलियन इस देश को जो है प्रदान किया था और 300 श्रमिक को, हाँ दोस्तों, जो मजदूर था उस मजदूर को जो है 300 मजदूर को जो है यहाँ पर जो है सहायता भी किया था ताइवान ने। और इस देश में भारत की दूतावास नहीं है। हाँ दोस्तों, इस देश में जो है भारत की दूतावास नहीं है, भारत की दूतावास जो है अलग देश में, इस देश को संचालित किया जाता है अलग देश से। और इंडिया में जो है इस देश की दूतावास भी नहीं है। 2007 में इस देश में जो है वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप इस देश में जो स्थापना हुआ था। हाँ दोस्तों, तब जो है ये देश 2006 से जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दिया था 26 से 30 जुलाई से। हाँ दोस्तों, और इस देश में जो है जो क्रिकेट यहाँ पर जो हुआ था, इस देश में जो है खासा कुछ यहाँ पर जो है मिल भी गया है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 29 जुलाई 2006 में जो है ये देश की जो मुखिया था और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, उस दोनों के बीच जो है एक साक्षात भी हुआ था, जो मनमोहन सिंह था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर था तब के समय। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये देश जो है कुछ व्यापारी उस देश में, इंडियन की कुछ व्यापारी जो है उस देश में गया था 2010 में जो है
ग्रेनाडा गया था और वहाँ पर जो है कुछ व्यापार करने के लिए यहाँ पर जो है उस जगह को देखा भी था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस देश की जीडीपी बहुत कम है, इसलिए जो है भारत जो है इस देश के साथ बहुत ही कम व्यापार करता है। 2015 से 16 तक इस कह सकते हो 2015 से 16 तक जो है इस देश के साथ जो व्यापार हुआ था $1.87 बिलियन इस देश के साथ जो है भारत के साथ जो है व्यापार हुआ था, और जो 14% यहाँ पर बढ़ा है व्यापार। और इस देश में जो है भारत से जो जो सामान जाता है वो जो है दावा फार्मास्यूटिकल कुछ चीज़ जाता है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गोल्ड भी जाता है, ड्रेस जाता है, टेक्सटाइल भी जाता है, और इस देश से जो है बहुत कम चीज़ भारत मंगाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ 2011 और 2012 में भी जो है भारत ने जो है इस देश से कुछ भी चीज़ नहीं मंगाया है, सिर्फ $3 लाख की एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भारत ने इस देश से मंगाया था। तो दोस्तों ये देश की जो रॉयल एंथम, नेशनल एंथम, और इस देश की जो पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। और ये जो देख रही हूँ वो देश की जो है एंथम जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है एंथम, इसके अलावा यहाँ पर रॉयल एंथम भी है जो ब्रिटेन से जो जो देश हासिल हुआ है उसके पास ये एंथम है जो मैं आपको दिखा दिया हूँ। और इस देश की जो है आदर्श वाक्य या नीति वाक्य वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और देश की जो कैपिटल सेंट जॉर्जेस मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और वो जो है बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश। हाँ दोस्तों, और कंट्री वाइज देखें तो इंडियन जो रहता है 2.2% यहाँ पर इंडियन रहता है, अफ्रीकन मैक्सिको आपने देखा होगा। और यहाँ पर जो है धर्म की बात करें, ये जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है, देखा। हाँ दोस्तों, और इस देश के जो राजा है चार्ल्स III यहाँ पर लिख दिया हो गवर्नर, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर आप जब देखेंगे पता चलेगा डिकोन मिचेल। और यहाँ पर पानी की बात करते तो 1.6% जहाँ पर इंडिया पर 9% पानी है। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो है टोटल जीडीपी देख लीजिए 1.249 बिलियन जो मैं आपको बताया था बहुत कम है, और इंडिया जो है ट्रिलियन पे है, दुनिया के अंदर जो है 5 नंबर पे आता है इंडिया। और कॉलिंग कोड की बात करें तो +1473 ये देश की जो है कॉलिंग कोड, कॉल करने के आगे आपको जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और इस देश की जो पॉपुलेशन है 1,15,000 ये देश की जो है कुल पॉपुलेशन है, और इस कुल पॉपुलेशन के अंदर और भी ज़्यादा इंडियन जो रहता है वो जो है 100 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है, और कुछ यहाँ पर पर्यटक हिसाब से भी यहाँ पर क्या है। हाँ दोस्तों, पर्यटक यहाँ पर भी क्या है जो इंडिया की है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है वो मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, 2013 जनवरी में जो है इस देश के कॉलेज में जो है हमारे महात्मा गांधी जी की जो है एक मूर्ति स्थापना किया है इस देश की एक कॉलेज में। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कहाँ पर है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वर्ल्ड मैप की मदद से। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कैरिबियन अंचल में स्थित है एक देश का नाम जो है ग्रेनाडा। हाँ दोस्तों, ग्रेनाडा आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए वो देश की कुछ अहम हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भारत ने जो है वो देश को सहायता किया था, उस देश की प्रतिवेशी देश की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ स्पेन उससे जो है उस देश को सहायता किया था। ये देख लीजिए जो रेड हिस्सा वो देश की राजधानी के हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो देश की जो अलग अलग जो कह सकते हो जो राज्य है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए वो देश के अलग अलग राज्यों में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखा। ओक्स उसका नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन से जो है भारत की हाई कमिश्नर 7 फरवरी 2011 जो है वो देश को सहायता किया था क्रिकेट की कुछ सरंजाम दे के। हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ दे के जो है क्रिकेट की वो देश को सहायता किया था जो भारत की दूत है। तो दोस्तों वो देश की गवर्नमेंट जो है भारत को अनुरोध किया था भारत उस देश को सहायता करे, इसलिए जब 2016 में भारत ने उस देश को सहायता किया था प्रथम बार सहायता किया था $6,10,000 देकर। हाँ दोस्तों, और द्वितीय बार सहायता किया था $2,92 अनुदान उस देश को जो है दिया था भारत ने। और ये देख लीजिए वो देश के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो है एक जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है उस की जो एड्रेस में आप देख लीजिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, उस देश का नाम भी आपको नजर आ जाएंगे ग्रेनाडा, और उस देश की नेशनल फ्लैग भी आपको नजर आ जाएंगे। और ये देख लीजिए वो देश कहाँ पर है दुनिया के अंदर और इंडिया कहाँ पर है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ इंडिया के साथ तो रिलेशन अच्छा है, लेकिन ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिलेशन बनाता है और अच्छा रिलेशन इस देश रखता है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है जो जो ब्लू कलर है उस देश के साथ अच्छा रिलेशन है इस देश के साथ, या कह सकते व्यापार भी चलता है। और जो जो यहाँ पर व्हाइट है उस देश के साथ जो है अभी तक रिलेशन नहीं बना है, जो यहाँ पर नेपाल भूटान भी शामिल है, यहाँ पर बांग्लादेश भी शामिल है। और यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इंडिया कौन कौन से देश के
अंदर जो है इंडिया की जो है कह सकते हो एम्बेसी मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो जो देश यहाँ पर ग्रीन है उस देश में जो है इंडिया की जो एम्बेसी मौजूद है, और जो जो देश ग्रीन नहीं है वहाँ पर इंडिया की एम्बेसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर ब्लू कलर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये तीन देश में जो है फिलहाल के लिए जो हमारी एम्बेसी नहीं है। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूँ कैरेबियन अंचल में स्थित है एक स्वाधीन राष्ट्र जो देश का नाम जो है ग्रेनेडा। हाँ दोस्तों जी देश का नाम जो है ग्रेनेडा। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस समय पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।